अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं इशफाक टीवी। दोस्तों, सिंध के बारे में आप लोगों ने तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज सिंध की सकाफत का एक मुनफरद घर आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि एक बैठक के तौर पे जाना जाता है। इसको सिंधी में ओताक कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि सिंधी लोग बड़े ही शौकीन होते हैं, और ये कितनी बड़ी खूबसूरत एक शख्स ने अपनी ओताक बनाई है। आप देख सकते हैं क्या इसके खूबसूरत नज़ारे हैं, आप खुद इसको चेक करें। इसको सिंधी में बैठक और ओताक कहा जाता है, और इसका नाम लांढ़ी भी है। आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत, ये किसी महल से कम नहीं, और इसकी सजावट किसी महल से कम नहीं। आप देख सकते हैं ये किसी ताजमहल की तरह बनी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप इसको देख सकते हैं। इसमें शीशे का इस्तेमाल और कारीगरी की महारत से काम किया गया है। आप देख सकते हैं ये कितनी ही खूबसूरत है, आप खुद चेक कर लें। वैसे भी तो सिंध के लोग मशहूर हैं मेहमान नवाजी के। ये ओताक ख़ास तौर पर मेहमानों के लिए बनाई गई है, और इसमें इतना खूबसूरत काम किया गया है कि ये किसी ताजमहल से कम नहीं। और इसमें अल्लाह के नाम भी लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह व बेहमद। और इसमें शेर व शायरी भी की गई है। इसकी छत में भी बहुत से बनावट बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इतनी खूबसूरत शायद आपने ओताक पहले नहीं देखी होगी। ये एक थर के गांव की ओताक है, जो शायद आपने पहली बार देखी होगी। के लोग मशहूर हैं कि मेहमान नवाजी से जाने जाते हैं। ये मेहमान की बड़ी खिदमत करते हैं, और ये मेहमान को जितनी इज्जत देते हैं, शायद किसी दूसरे सूबे में उसको उतनी नहीं मिलती। इसलिए ये ख़ास ओताक मेहमान के लिए स्पेशल बनाई गई है। ये किसी ताजमहल से कम नहीं। आप देख सकते हैं एक सिंधी का अपने गाँव से मोहब्बत और अपनी ओताक से मोहब्बत का अंदाज़ देखें। खूबसूरत बरांडा दिया गया है, उसके साथ साथ ही इसमें शीशे का काम, शेर व शायरी की गई है, आप देख सकते हैं। इस बरांडे के आगे इसको एक बड़ा सहन दिया गया है, जहाँ पे गाड़ी पार्क के लिए घूमना फिरना, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है। शायद ऐसी लांढ़ी आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसको सिंधी में ओताक भी कहा जाता है और लांढ़ी भी कहा जाता है। ये एक खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में तैयार की गई है, जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी। ये सिंधी में लिखा है, भली करे आया, यानी वेलकम। बड़ी मेहनत और दिल से इसको बनाया गया है, ये किसी ताजमहल से कम नहीं। ये शायर व शायरी आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी सिंध की औताक और सिंध की सकाफत, आपने देख ली कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी वीडियो आप देख सकें।